यूक्रेन पर रूस के हमले से वहां के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और छात्राएं भी शामिल हैं जो वहां फंसे हुए हैं। इसमें यूपी के तमाम जिलों सहित राजधानी लखनऊ के लोग भी शामिल हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हुए थे। परिवार के लोग बच्चों की सलामती और उनके सुरक्षित घर वापस आने को लेकर खौफजदा हैं। यूक्रेन में फंसे बच्चे वीडियो कॉलिंग से अपने परिवार से संपर्क में हैं। उन्होंने यूक्रेन की भयावह तस्वीरें भी साझा की है। इस बिगड़े हालात को लेकर अब हर कोई सलामती और अमन शांति को लेकर दुआएं कर रहा है। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुम्मे की नमाज में रूस और यूक्रेन के हालात सामान्य होने की दुआएं पढ़ी और सैकड़ों की संख्या में मौजूद नमाजियों के साथ अल्लाह ताला से लोगों की सलामती की दुआ की। खालिद रशीद ने पीएम मोदी से मांग की है कि वो रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करें कि रूस हमला बंद करे, साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित वतन वापस लाने की मांग की है। आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमे के मौके पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो अल्लाह ताला से इस मौके पर दुआ की गई कि यूक्रेन में हर तरीके से अमन अमान कायम हो। वहां जो लोग जख्मी हुए हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए और रशिया को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि इन हमलों को फौरन ही बंद करें। और अपने और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की गई कि तमाम ममालिक मिल करके रशिया पर ये प्रेशर बिल्डअप करें कि बातचीत के जरिए से इन मसाइल को हल करें और हमलों को फौरन रोका जाए। और हुकूमत हिंद से इस बात की डिमांड की गई कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स या और इंडियन जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको पूरी सेफ्टी के साथ अपने मुल्क में लाने को यकीनी बनाया जाए।